सिटी समेत जिले में पिछले दो दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश होने के कारण आज तीसरे दिन भी रांदेर और कतारगाम को जोड़ने वाला ब्रिज वियरकम कोजवे को बंद किया गया। अभी हाल में वियरकम कोजवे का जलस्तर अपनी भयानक सपाटी 6 मीटर को पार करके 6.41 मीटर तक पहुंचा है, जिसके कारण कोजवे का नजारा अद्भुत दिखाई दे रहा है और लोग ऐसे नजारे का लुत्फ उठाने के लिए कोजवे ब्रिज के पास उमड़े हैं। पिछले तीन दिनों से लगातार जारी मूसलाधार बारिश के कारण सूरत का रांदेर कोजवे ब्रिज ओवरफ्लो होने के कारण कोजवे ब्रिज के गेट बंद कर दिए गए थे और आज तीसरे दिन तीन दिन बीतने के बाद भी पानी का जल स्तर कम नहीं होने के कारण आज भी कोजवे ब्रिज बंद है और वाहन व्यवहार ठप अवस्था में है। कोजवे ब्रिज के जल स्तर ने अपनी भयानक सपाटी 6 मीटर को पार करके पानी का जल स्तर 6.41 मीटर तक पहुंचा है और शहरवासी कोजवे ब्रिज के खुशनुमा नजारे का लुत्फ उठाने में मशगूल है। समग्र दक्षिण गुजरात में अने सूरत शहर तथा जिल्ला में छेल्ला थोड़ा दिवसों थी मेघराजानी मेहर वर्ताई रही छे अने एना कारणे तापी नदी में पण नवा नीरनी सतत आवक थई रही छे। खास करीने काकरापार डेमना हेठवास में अने सिंगणपुर रांदेर कोजवे कम वियरना उपरवास में जे वरसाद थयो छे, एटले के सूरत अने तापी जिल्लाओ में जे वरसाद थयो छे एना कारणे सतत नवा नीरनी आवक थवाना लीधे तापी नदीनी जल सपाटी ए वधी छे अने छेल्ला घणा दिवसों बाद आ सीजन में पहली वक्त तापी नदी आ रीते बे कांठे वहेती जोवाना आनंददायक दृश्य सर्जाया छे। कोजवे छे एनी सपाटी 6 मीटर पछी ओवरफ्लो थती होय छे अने अत्यारे एनी सपाटी 6.4 मीटर थवाना कारणे 0.4 मीटर थी कोजवे ओवरफ्लो थई रह्यो छे, एना कारणे कोजवेना हेठवासमां पण नवुं नीर वहेतुं જોવા મળી રહ્યું છે। આ ઉપરાંત જળ સપાટી વધવાના કારણે જે ઇન્ટેક વેલ કોઝવેના ઉપરવાસમાં બન્યા છે, જે શહેરને પીવાનું પાણી પૂરું પાડે છે, એની પણ ઘણી બધી સમસ્યાઓ છે, એનો એક સાથે ઉકેલ આવે એવું હાલના તબક્કે કહી શકાય એવું છે। સાથે સાથે કાયમ માટે આપણને પીડા આપતો જે પ્રશ્ન છે એ જળકુંભીનો પ્રશ્ન છે। જળકુંભીનો પ્રશ્ન પણ હળવો થવાનું શરૂ થયું છે અને થોડી હજી સપાટી વધે ત્યારે એ પ્રશ્ન છે એનો આ વખતે નિકાલ આવે એવી પૂરેપૂરી સંભાવનાઓ છે, આ માટે પણ તંત્ર કાર્યરત છે। રિપોર્ટ બાય પરવીન પઠાણ, સમાચાર ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, સુરત।